तरकुलवा थाने में पुलिसकर्मी पर लगाया गया आरोप, निकला झूठा, खुद पासपोर्ट आवेदक अमित ने कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। जिला देवरिया के थाना तरकुलवा का मामला सामने आया है, जहां पासपोर्ट सत्यापन के लिए पुलिसकर्मी को टारगेट करते हुए खबर चला कि पासपोर्ट सत्यापन के लिए तरकुलवा क्षेत्र के दुबे टोला के निवासी अमित से 4,000 रुपये नकद लिया गया। वहीं जब हमने इसका छानबीन शुरू की तो अमित ने बताया कि ये सारी खबरें झूठी हैं, मैंने थाने में कोई रकम नहीं दी। और जब मैंने ये खबर देखा तो मैंने खुद सीओ साहब के यहाँ लिखित शिकायत पत्र दिया कि सारी खबरें झूठी हैं। और मैंने शिकायत पत्र में लिखा कि श्रीमान जी, मुझे ये कहना है कि मैं अमित गुप्ता निवासी दुबे टोला थाना तरकुलवा देवरिया का रहने वाला हूँ। दिनांक 26 जुलाई 2023 को अमर उजाला व 27 जुलाई 2023 को दैनिक जागरण में पढ़ा हूँ कि वृंदावन के ज्ञानेंद्र राव उर्फ बड़े ने मेरा पासपोर्ट सत्यापन के लिए 4,000 रुपये मुझसे लेकर थाने के किसी पुलिस वाले को दिया था। साहब, मेरा पासपोर्ट जांच के लिए कोई पैसा नहीं लगा है। मैंने ज्ञानेंद्र राव उर्फ बड़े को या थाने के किसी पुलिस वाले को कोई पैसा नहीं दिया है। मेरे खिलाफ़ एनसीआर होने के कारण मेरा पासपोर्ट कैंसिल भी हो गया है, जिसके संबंध में मैं थाने पर 2 से 3 बार गया था, लेकिन वहां कार्यालय में बैठे पुलिस वाले बताए कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। लेकिन वापस आते समय थाने के गेट पर मौजूद ज्ञानेंद्र राव उर्फ बड़े ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं थाने का कोई भी काम करा देता हूँ, मेरा रोज का आना जाना है, बस मुझे मेरा कमीशन दे देना। मुझसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ या मुझे फर्जी टाइप का दलाल लगा, मैं वहां से चला गया। ज्ञानेंद्र राव उर्फ बड़े का रोज का आना जाना है थाने पर, उसकी किसी बात को लेकर किसी पुलिस वाले से मामला हुआ होगा तो मुझे बीच में लाकर मुझको आधार बनाकर मेरा और मेरे परिवार का नाम समाचार पत्र में निकलवा कर बदनाम कर रहा है। समाचार पत्र में पढ़ते ही मैंने ज्ञानेंद्र बड़े को जब फ़ोन करके डाटा बोला तो उसने मुझे गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए बोला कि तुमको भी फंसा दूंगा। साहब, समाचार पत्र में निकलने से मेरी व मेरे घर वालों की बहुत बदनामी हुई है, कृपया ज्ञानेंद्र राव उर्फ बड़े के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।